अब देखो ये वाले क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, इसमें एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो चलो मैं मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर लगा देता हूँ। कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है और हम फैकल्टी लोग जो है हज़ारों वर्ड बोलते हैं, तो कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है तो कुछ और भी बोल देते हैं, तो बच्चों को बहुत मज़ा आ जाता है। तो यहाँ से ये जो है वो रेडियस आर है इस लूप का, और जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो 0.04 टेस्ला यहाँ दिया हुआ है। इन द प्लेन ऑफ द रेडियस ऑफ द लूप श्रिंक एट द रेट, जो रेडियस है, ये जो रेडियस है रेडियस वो धीरे धीरे कम हो रही है, और डी आर ओवर डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो है वो माइनस श्रिंक हो रहा, -2 मिलीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा, तो जब रेडियस किसी वक्त आर की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो उस वक्त 2 सेंटीमीटर 2×10^-2 मीटर, और इसको मैं माइनस साइन इग्नोर कर दो, 10^-3 मीटर पर सेकेंड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आसान सवाल है, क्वेश्चन आसान है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बेसिक इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt, श्रिंक हो रहा है माइनस, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो d∅/dt, और यहाँ से फाई इज इक्वल टू BA cos 0 हो जाएगा, इन द प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, तो d/dt एरिया ए यहाँ आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी d/dt एरिया को मैं लिख सकता हूँ पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ से बी और पाई यहाँ से आ जाएगा, और बी और पाई यहाँ से आ जाएगा, और d/dt यहाँ से आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ से ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ इतनी आ गई, तो इसको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो इंड्यूस ईएम इज इक्वल टू यहाँ से बी पाई, और यहाँ से 2R, और यहाँ से dR/dt। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ। अब इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला, पाई के टर्म में सोल्यूशन है तो पाई रहने देता हूँ, 2 रेडियस हो गया है 2×10^-2, और ये रेडियस 2×10^-3, तो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से ये 4 और 4 मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा, ये जो 2 है 4, और ये है 8, 8 चौके 32, तो 3.8 चौके 32, और ये 3.4 यहाँ से पाई, और 10^-5 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब यहाँ से माइक्रो में दिया है, तो माइक्रो में दिया है तो एक काम करते हैं, 0.32 पाई है, और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 10^-5 था तो ये आ जाएगा 3.2 पाई, और ये आ जाएगा × 10^-6, ठीक है ना, बोल्ट। तो माइक्रो में दिया है तो 3.2 पाई माइक्रो बोल्ट यहाँ से सोल्यूशन बनेगा, दैट इज़ अपना डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना।